अब 2024 पे जरा आते हैं, क्योंकि आपकी अब ऐसी हालत है कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके भाषण पे खूब तालियां बजती हैं। अच्छा, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सबको सुनना है कि ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन वही आपका एक तरफा इश्क रह जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपको वोट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुकम्मल आप उस वजह से हो नहीं पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? 2024 मोदी को कौन रोकेगा देश में? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये मोदी मुद्दा नहीं है, अभी आपने कहा नहीं, 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 मोदी मुद्दा नहीं है 24 में। अगर मोदी मुद्दा बनाएंगे गलती करेंगे। बात तो सही है। हमको एक मोदी से नहीं, हमको 542 पार्लियामेंट सीट पर लड़ना है, इंडियन नेशनल। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सुनिए, सब पार्टीज को इंडियन नेशनलिज्म के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, राइजिंग कॉस्ट के लिए, इन मुद्दों पर लड़ना है। अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, मोदी बनाम केजरीवाल होगा या मोदी बनाम कोई और होगा, तो फिर आप मोदी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप यू आर राइट ब्रो, भारत के 540 लोकसभा पर लड़िए, आप देखिए नतीजा क्या। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, एक लोकसभा सांसद।